एटीएच न्यूज अब सब पर है नजर हमारी। डॉक्टर श्रवण कुमार की रिपोर्ट। आज कांडी प्रखंड में माननीय राजन मेहता जी जो हैं विश्रामपुर विधानसभा के सेकंड स्थान इन्होंने लाए थे, जीतते जीतते मैंने इनकी हार हो गई और आज ही लगातार हमारे क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं विश्रामपुर विधानसभा में। आज ये नारायणपुर गांव में एक पुल बना है जो आपको अमृत शुक्ला के द्वारा बनाया गया है और उस पुल से यहाँ के लोगों को जनता की जो है कि काफ़ी संख्या में धान की खेती जो है बर्बाद हो चुका है। तो हम आज राजन मेहता जी से बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं, धान कुर्सी दोनों बर्बाद होना है। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधु के आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बारिश के समय में भी खराब में भी आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आज कई दिनों से खबर मिल रहा था लेकिन अपना व्यवस्था के चलते हम नहीं आ पा रहे थे, लेकिन जो आते आते मैं इस क्षेत्र में देख रहा हूँ नारायणपुर चोखा बलियारे बरवाडी सोनपुरा आपको जमुआ अमडीहा इस बेलहत इस नारायणपुर इस सारी क्षेत्र में आपका पानी डूब करके यहाँ किसान की फसल बर्बाद हो गया है। हमको जैसा सूचना मिला कि उपायुक्त महोदय भी यहाँ पे आए थे, चलिए बहुत अच्छा है कि वो आए थे, लेकिन जिला प्रशासन के साथ साथ मुझे झारखंड सरकार से यह मांग है कि यहाँ रैयत को आप सर्वे करा करके मुआवजा दें, लेकिन सिर्फ रैयत से काम नहीं चलेगा, रैयत के साथ साथ बटाईदार यहाँ हैं जो मजदूर हैं किसान हैं दबे कुचले गरीब गुरबा हैं, उन लोग किस तरह मजदूरी करके मेहनत करके रैयत को कुछ ना कुछ तो मुआवजा दिए ही, लेकिन आज जो बटाईदार को एक पैसा नहीं मिलेगा और जिस तरह धान का फसल बर्बाद हो गया पेट के भरी उन लोग हो करके रो रहा है कि आखिर मेरा पेट कैसे भरेगा। इसके लिए मेरा जिला प्रशासन से यह मांग है कि रैयत के साथ साथ बटाईदार को भी जांच करा करके उचित मुआवजा दिया जाए और वो भी अविलंब दिया जाए, यही मेरा मांग है। बड़ी बात है हमारे क्षेत्र में 3 वर्षों से यहाँ अकाल पड़ रहा था, किसी तरह जो हमारे किसान भाई मेहनत मजदूरी किए उसके बाद नीलगाय की समस्या बहुत अधिक होती थी, नीलगाय जो भी है खेती को बर्बाद करते, नीलगाय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम आज के 4-5 दिन भी पहले भी मैं जिला प्रशासन को मैंने अवगत कराया कि इस क्षेत्र में किसान की जो स्थिति है कि कुछ पैदा भी करते हैं तो यहाँ के नीलगाय कुछ बंसूअर वो ला करके पूरा फसल बर्बाद कर देता है। एक तो अकाल से लोग जूझ रहे हैं, दूसर का इधर नीलगाय और आपका बंसूअर से। इसलिए मैं जिला प्रशासन के साथ साथ झारखंड सरकार से मैं मांग करता हूँ कि नीलगाय को किसी तरह यहाँ से भगाया जाए या उससे बचाने की व्यवस्था किया जाए, बंसुअर से भी बचाने की व्यवस्था किया जाए ताकि किसान जो है चैन की नींद सो सके। आज पूरी दुनिया को पेट भरता है किसान, लेकिन किसान के विषय में किसी को चिंता नहीं है, मजदूर के विषय में चिंता नहीं है कि आज मजदूर के साथ क्या हो रहा है। आज थोड़ा सा पानी के चलते यहाँ अकाल की साया मरा रहा था, आज इस क्षेत्र में बारिश हुआ और यहाँ जिला प्रशासन के लापरवाही के साथ साथ जो आपने अभी कहा कि पुल जो बना हुआ है जिस कॉन्ट्रेक्टर के द्वारा संवेदक के द्वारा, तो उसको तो पहले तो खोल देना चाहिए था, नहीं खोला गया जिसके चलते आज पूरा डूब क्षेत्र हो गया। निश्चित रूप से जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए था, आज इससे हजारों एकड़ हजारों किसान की आज अरमान टूटा है, आज भूखे आज तड़पने के लिए वह मजबूर है। इसलिए मेरा यह मांग है कि नीलगाय के साथ साथ ये जो डूब क्षेत्र हुआ है इस सारे क्षेत्र में जो चाहे इधर जमुआ हो बडिया हो सोनपुरा हो नारायणपुर हो चोका हो बलियार बलियारी हो बेलहत हो इस सारी गांवों में इसको सर्वे करा करके बटाईदार के साथ साथ रैयत को भी मुआवजा दिया जाए। चलिए न्यूज में जानकारी देने के लिए बहुत बहुत। अगर आपको हमारे चैनल पर दिखाए गए खबरें अच्छी लग रही है तो कृपया कर हमारे ATH News 11 ग्रुप ऑफ मीडिया को सब्सक्राइब कर एवं लाइक कर अपनी सुझाव अवश्य प्रदान करें। विशेष हेतु हमारे नंबर 9454193887 पर संपर्क कर अपनी सलाह अवश्य प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।